गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुलवामा। यहाँ पर हम आए थे घूमने के लिए सुबह ही सुबह, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि यहाँ दिन जल्दी निकल जाता है। और उधर सामने का नज़ारा देखो, क्या मस्त लग रहा है यार। एक 360 व्यू दिखाता हूँ आपको। और ये रही गाड़ी, आपको मैं यहाँ बताता चलूँ, मैं हूँ भाई डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, कश्मीर के अंदर। ये कश्मीर की वादियाँ हैं और भाई हम यहाँ घूमने लग रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त। दिल्ली से हम लोग चले थे शाम को 5:30 बजे और अपन कश्मीर पहुँच गए थे, यहाँ मतलब कि श्रीनगर के आसपास पहुँच गए थे सुबह के 9:30-10 बजे के आसपास। बट थकान इतनी ज़्यादा हुई थी कि यार वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा था कि यार वहीं जाके वीडियो स्टार्ट करूंगा, बाकी मैंने छोटे छोटे क्लिप्स शूट करके रखे हुए। मेरा व्लॉग शूट करने का मन नहीं था भाई, लेकिन मेरे यार दोस्त ने बोला जब जा रहे हो तो यार व्लॉग शूट कर ही लेना। तो भाई ये जो व्लॉग है ये डेडिकेटेड है मेरे दोस्तों के लिए, कुलदीप भाई के लिए, लोकेश के लिए और मेरे नॉट्स राइडर ग्रुप के जितने भी यार दोस्त हैं उन सब के लिए। तो आप लोग अब जाओ फ्लैशबैक में और जाके देखो वीडियो व्लॉग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी हमारी। पहला स्टॉप है हमारा ये जगदम्बा वैष्णो ढाबा कुछ करके जगह है यहाँ पर, और गाड़ी अभी 100 किलोमीटर ही चलाई है हमने। ये हमारे राजा भाई, ये हमारे जारू भाई, ये मोहतरमा और ये हमारे जैनुल भाई, छोटा बेबी, क्यूट बेबी। बच्चों को लग रही थी भूख, है ना जारून? भूख लग रही थी ना, तेज लग रही थी। यस लो, एक बंदा हमारा सो रहा है गाड़ी के अंदर। ये हमारी गाड़ी है, ऊपर हमने इस पे एक रैक लगा दिया है, इसको हम कैरियर बोलते हैं। और हमारा एक बेबी गाड़ी के अंदर सो रहा है। और भाई एक चीज बताना भूल गया था, अपनी गाड़ी की जो है पीछे की सीट हमने हटा रखी है, फुल कंफर्ट जोन पे अपन चल रहे हैं। खाना हमारा आ गया है, शाही पनीर दाल मखनी, लेकिन भाई जैसा अपना वहाँ मयूर ढाबे पे मिलता है ना वैसा टेस्ट नहीं है। देखो इसको बोलूंगा ना, जैनुल भाई की बत्ती गुल हो गई थी तो कितनी देर गुस्सा आएगा। और ये देख रहे हो सामने जैनुल भाई है, इनकी बत्ती गुल हो गई थी, कैमरे के सामने इन्हें गुस्सा नहीं आया, हंसी आ गई, वरना इन्हें बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। डिनर हो गया अपना और भाई कॉफी आ रही है, अभी कॉफी पियेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपने बेटे का हाल, सो रहा है वो। ये देखो ये भाई साहब सो रहे हैं, ये देखो। और गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है अंदर से, रियर वाली सीट हटा दी है अपन ने और गद्दा बिछा दिया इसकी जगह, इतनी जगह बन गई है गाड़ी के अंदर। आप देख सकते हो काफी जगह है 2-3 बंदों के लिए। डैडी की तरह तू भी राइडर बनेगा क्या? लद्दाख जाएगा? मेरा लड्डू क्या बनेगा? मेरा लड्डू, अरे मेरे लड्डू देख तो ले, हाय मेरा लड्डू। अरे वाह, टाइम हुआ है रात के 12:12 और हम पहुंच गए भाई अंबाला। सामने आप देख सकते हो अंबाला का इंद्रधनुष। लगभग 5 घंटे अपने को लग गए दिल्ली से यहाँ तक, क्योंकि 7:30 बजे अपन चले थे और 12:15 के आसपास का टाइम हो रहा है। हाँ जूबी बेटा, सब्सक्राइब करना है चैनल को, नहीं करना है? ओके, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है ना? वेरी गुड। तो भाई अब नेक्स्ट टारगेट है अपना लुधियाना, उसके बाद पठानकोट। देखते हैं भाई कब तक पहुंचेंगे अपन श्रीनगर, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं अपन, 70-80-90। तो भाई टाइम हुआ है सुबह के 7:45 और हम पहुंच गए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर। लास्ट टाइम जब मैं इस हाईवे पर आया था तब इस हाईवे की हालत ना बहुत ज्यादा बेकार थी, लेकिन अब भाई देख रहा हूँ मैं कि रोड में काफी सुधार आ गया है और गाड़ी चलाने में भी यहाँ मजा आ रहा है काफी। गाड़ी चलाते चलाते मतलब ड्राइव करते करते अपने को हो गए लगभग 12 घंटे के आसपास में मैं पहुंच गया था उधमपुर। फिर थोड़ा सा रुक गया था यार, क्योंकि नींद आने लग गई थी मेरे को। ये आ गया चेनानी नाशरी का टोल, ये आ गई है चेनानी नाशरी टनल। सामने का नजारा देखो भाइयों, चिनाब रिवर पूरी भर के चल रही है। तो भाई ये आ गया फर्स्ट वेव ऑफ काजीकुंड टनल, और आगे आने वाली है अपनी जो ये न्यू टनल बनी है कश्मीर वाले रास्ते पे, वो स्पीड लिमिट है इसकी 50 किलोमीटर पर आवर। वीडियो करते हैं बंद ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई रिकॉर्डिंग कर रहा है बंदा। देखो ये लड़की तुम्हें सीटी मार के दिखाएगी, मार। ओह माय गॉड, ये देखो बोल जी चोरा बन चल रहा है टनल के अंदर। और भाई ये टनल के बाहर का दूसरा एग्जिट गेट, पहलगाम की पहाड़ियां भी देखनी शुरू हो गई हैं यहाँ से। तो भाई श्रीनगर पहुंच गए थे हम सुबह 10:30 बजे के आसपास, और भाई उसके बाद आके मैं सो गया, नींद आ रही थी बहुत तेज, पूरी रात गाड़ी चलाई थी मैंने। अभी मिला है हमारे रहील भाई, हमारी गाड़ी का जो है वो फास्ट टैग खराब हो गया था, तो रेल भाई को मैंने फोन किया, यार रेल भाई फास्ट टैग ठीक करवा दो, फास्ट टैग उन्होंने ठीक कराया। तो भाई अब जा रहे हैं अपन रेल भाई के घर, रेल भाई कर रहे हैं गाड़ी ड्राइव, शान भाई हमारे पीछे हैं। और भाई ये है रेल भाई के घर का रास्ता, आप देख सकते हो भाईयो, एकदम नैरो सी रोड, पतली सी खूबसूरत सी, अंदर जा रहे हैं हम, ये दूसरा वाला रोड है कश्मीर की गलियों में। हाँ ये पूरी ग्रीन टनल है सामने दिखाई दे रही है, पहले जब जम्मू से श्रीनगर जाते थे ना तो बीच में एक रास्ता ऐसा आता था ना, बीज बिहारा। हाँ बीज बिहारा के नाम से साइडों में हो रही है खेती बाड़ी। ये किस चीज की खेती हो रही है, चावल की? हाँ चावल की।
यहाँ नहीं आगे दिखेगा बढ़िया से। भाई हम लोग आए हैं रहील भाई के घर पे। ये रहील भाई का घर है, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसा, यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी ये शेड लगी हुई ना इसलिए दिखाई नहीं देगा, अभी दिखाता हूँ। और मैं कह रहा था कि ये रहील भाई का गार्डन है, यहाँ पर भाई आड़ू के पेड़ हैं, नाशपाती के पेड़ हैं, खुबानी के पेड़ हैं, और भाई एप्पल गार्डन है पूरा, ये देखो इधर से उधर। अच्छा ये लाल वाले आड़ू इनकी मतलब ब्रीड मतलब नस्ल अलग है? ये इटली वाले। अच्छा ये इटली वाले, तुमने जो मुझे एप्पल भेजे थे वो कौन सा था? अच्छा जी ये भाई देख सकते हो एप्पल आ रहे हैं, अभी ग्रीन कलर का है, रेड होने में टाइम लगेगा, पकने में टाइम लगेगा ना। अच्छा अभी भी रेड हो गए, घास गीली है मतलब बारिश पड़ी है ना, थोड़ा सा अंधेरा आ रहा होगा भाई वीडियो में, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ये खसखस है, पोसत पोसत या खसखस बोल सकते हैं इसको ना। अबे यार जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ भाई। भाई ये वाला सेब है जो रहील भाई ने अपने को भेजा था, ये है इटालियन सेब है ना, इटालियन एप्पल। ये डार्क बैरन, हाँ डार्क बैरन गाला, डायरेक्ट बैरन गाला। यार ये खाया मैंने अप्रिकोट आड़ू की खुबानी यार, मजा आ गया इसको खाने में यार, विटामिन सी से भरपूर था ये, खट्टा मीठा लग रहा, मजा आ गया खाने में। तो भाई रहील भाई के घर आए थे, रहील भाई ने हमारा यार ये नाश्ता वगैरह मंगवा लिया, अभी तो मना कर रहा था यार रहील भाई को यार, लेकिन ये मानी नहीं। और देखो नौमान भाई हमारे क्या कर रहे हैं, सामने एक पेड़ पे चढ़ पड़े हैं। टाइम की अगर बात की जाए ना तो अभी जो फिलहाल टाइम हो रहा है ना यहाँ का, वो हो रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं ना, 8 बजे। और देखो 8 बजे भी कितना उजाला है यहाँ पर, ये देख रहे हो भाई, यहाँ पर दिन है ना लेट छुपता है और जल्दी जल्दी मतलब निकल जाता है। और देखो ये नौमान भाई हमारे लिए क्या लिया है, देखो ये है आड़ू है ना, अरे खुबानी, अरे वाह, ये आप देख सकते हो फ्रेश खुबानी एकदम, 15 सेकंड पहले की टूटी हुई है। यार गजब, थोड़े से कच्चे हैं लेकिन। सो गाइस इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। और ये रहे हमारे रहील भाई, ये रहे हमारे नौमान भाई, ये रहे हम और राजा भाई हमारे। भाई ये जगह हमें काफ़ी पसंद आ गई है।